जैसा कि आप ये देख रहे हैं, ये एक बड़ी ही खास चट्टान है। इसको बीच में से काटा गया है, पर खास बात यह है कि अब तक इंसान के पास ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है कि इतनी बड़ी चट्टान को इतनी सफाई से काट सके। तो फिर क्या इसे एलियन ने काटा है, या फिर? तो जानिए इसके बारे में और साथ ही ये कुछ गजब के फैक्ट्स। फैक्ट नंबर 3, अगर आपको भी भीड़भाड़ वाला इलाका पसंद नहीं है तो आपके लिए यह एक गजब की जगह। जैसा कि आप ये देख रहे हैं, ये दुनिया का सबसे अकेला घर है। इस घर के आसपास ही क्या, आपको दूर दूर तक कोई घर या कुछ नहीं दिखेगा। ये घर है आइसलैंड के एक छोटे से एलिडी आइलैंड पर। यह घर बिल्कुल वीरान पड़ा है। कहते हैं कि 18वीं शताब्दी में यहाँ पर कुछ मुट्ठी भर परिवार रहते थे। बाद में 1930 में भी यहाँ का आखिरी परिवार अपने बेहतर जीवन की तलाश के लिए यहाँ से चले गए और तब से ये आइलैंड वीरान पड़ा है। हालांकि यहाँ से देखने पर बहुत ही अच्छा नजारा दिखता है। इस घर में बिजली पानी की सुविधा नहीं है, और तो ये भी कहते हैं कि एक संघीय अरबपति ने ज़ॉम्बीज को मारने के लिए ये घर बनवाया था। और भी कई कहानियां है इससे जुड़ी। फैक्ट नंबर 2, ये जानने के बाद आप हैरान ना हो जाओ तो कहना। आपको नहीं पता होगा कि दुनिया का सबसे पुराना होटल कितने साल पुराना है, तो आपको बताना चाहूंगा कि दुनिया का सबसे पुराना होटल जापान में है, जो कि 1300 साल पुराना है। जी हाँ, इसका नाम है निशियामा ऑनसेन क्योंकन। और आपको जानकर हैरानी होगी कि यह होटल 750 एडी में बनवाया था, और तब से लेकर अब तक इस होटल को एक ही परिवार की 52 पीढ़ियों से लगातार चलाया जा रहा है। इस होटल में 36 कमरे हैं, और इस होटल का 1997 में रिनोवेशन करवाया गया था, लेकिन उसका मूल ओरिजिनल ट्रेडिशनल आर्किटेक्चर स्टाइल वैसा ही रखा गया। इस होटल को दुनिया का सबसे पुराना होटल होने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी मिल चुका है। फैक्ट नंबर 1, जैसा कि आप ये देख ही सकते हैं कि यह चट्टान बिल्कुल बीच से और इतनी सफाई से काटी गई है कि आप ही क्या, कोई भी सोचने पर मजबूर हो जाएगा। ये चट्टान सऊदी अरेबिया में है। इस चट्टान को अल नसला कहते हैं, और ये चट्टान लगभग 4000 साल पुरानी है। जैसा कि आप देख ही सकते हैं कि इस चट्टान को बहुत ही बारीकी से काटा गया है, जो वाकई में हैरान कर देता है। लोगों का कहना है कि धरती पर ऐसी कोई टेक्नोलॉजी मौजूद नहीं है जो इस पत्थर को इतनी बारीकी से काट दे, और लोग तो ये भी कहते हैं कि इस चट्टान को एलियंस ने काटा है। लोगों को लगता है कि एलियंस के सिवा ऐसा कोई नहीं कर सकता। लोग कहते हैं कि एलियंस ने इसको लेजर टेक्निक से काटा है, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी उनके पास हो सकती है। धरती पर ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है जो इस विशालकाय पत्थर को काट दे। इस चट्टान को लेकर किसी को कुछ नहीं पता। कोई भी नहीं जानता कि चट्टान नेचुरली ऐसी है, या किसी इंसान ने इसे काटा है, या फिर एलियंस ने इसे काटा है। इसको लेकर वैज्ञानिक कहते हैं कि ये फ्रीज थॉ वेदरिंग का नतीजा हो सकता है, यानी कि ये फ्रीज थॉ वेदरिंग से कट गई होगी। फ्रीज थॉ वेदरिंग ऐसा होता है कि इस प्रक्रिया में चट्टान के बीच पानी की बूंदें चली जाती है, और वही पानी तापमान में गिरावट के कारण जम जाता है। इससे चट्टान के बीच फैलाव होता है, और ये जो फ्रीज थॉ वेदरिंग प्रक्रिया है, ये एक दिन में पूरी नहीं होती। इसे हजारों सालों का समय लगता है। एक्सपर्ट कहते हैं कि अलनसला चट्टान भी ऐसे ही कट गई होगी, लेकिन फिर भी ये एक रहस्य है। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन करें।